इस प्रॉब्लम में एक कंडक्टिंग डिस्क है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रही है, और आपको रेफरेंस के लिए क्वेश्चन दे रखा है और कहता है कि इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी देन यू नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क, है ना। इस डिस्क का किसी जनरल टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ईएमआई का, लेंज लॉ वगैरह भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। छोटा सा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं जल्दी से। तो हमने इसका जो थिकनेस वाला व्यू है वो यहाँ पर बनाया है, रॉड जैसा दिख रहा है, बट याद रखिए कि ये रॉड नहीं है, डिस्क है। हम इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से, सही है ना। तो हमको जो व्यू नज़र आएगा वो ये है, ठीक। अब याद करिए, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो मोशनल ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ, उसको हम डिराइव कैसे करते थे, कैसे हम लोग वो उसका अप्रोच रखते थे, कि उसमें बोलते थे कि ये रॉड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप पकड़िए और उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्सेस वगैरह देखते हैं, है ना। तो उसके लिए हम ये देखते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है रॉड के अंदर या जो भी मेटालिक बॉडी है उसके अंदर, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम वही अज्यूम करते थे जो उस मोमेंट पर उस बॉडी का वेलोसिटी होता था, सही बात है ना। तो बच्चों का डाउट आता है कि सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका एक रैंडम वेलोसिटी भी होता है। मैंने बोला बिल्कुल होता है, तो उस रैंडम वेलोसिटी का क्या असर है। तो वो रैंडमनेस इतना ज़्यादा होता है बेटा कि उसका एवरेज ऑलमोस्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम उसका जो है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसका जो इफ़ेक्ट है वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जो भी वेलोसिटी मिलेगा उस इलेक्ट्रॉन का वो वही हम लेके चलेंगे जो उस मोमेंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी है, सही है ना। तो ये काम हमने करा कि इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एफबीडी अगर आप बनाओगे तो उसमें जो फोर्सेस लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग आएगा डायरेक्शन उनका, ठीक। और उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस फेस से इस फेस की तरफ जाएंगे। राइट हैंड से आप वो चीज़ देख सकते थे कि जो वी क्रॉस बी वो इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो हमारा जो फोर्स है वो लेफ्ट की बजाय राइट में लग जाएगा, सही है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गए वहाँ पर उनके एब्सेंस में पॉजिटिव चार्ज आ गए, सही है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो ईएमएफ आता है उसकी वजह से वो आता है बी एल वी। एल क्या था, वो पैरामीटर है जो इस वी के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एल की जगह पे वो पैरामीटर डी आ गया है। तो जो ईएमएफ हमने लिखा यहाँ पर वो क्या लिख दिया, बी वी डी। वो एक तरीके का हाइपोथेटिकल बैटरी लगा के हम उसको दिखा सकते हैं, सही ना। क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो ये जो ईएमएफ है वो भी चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो क्या है बेटा, रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है वो स्टेबल नहीं है। सर इससे हमें कैसे मालूम चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबल नहीं है तो चार्जेस का फ्लो चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है। वो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स Fe जब वो इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है तब स्टडी स्टेट आ जाता है, तब जाके वो EMF आपका स्टेबल हो जाता है या चार्जेस का फ्लो बंद हो जाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो अगर चार्जेस लगातार इधर से इधर चले जा रहे हैं तो वहाँ पे करंट आ जाएगी और उस करंट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, DQ/DT लिख सकते हैं, सही बात है ना। अब यहाँ पे कोई पूछे कि सर वो चार्ज कैसे निकालेंगे किसी मोमेंट पे, तो ये एक तरीके से आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा हो गया, सही है ना, जिसमें चार्ज किसी मोमेंट पे C×Vc आप निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में जो C का वैल्यू आता है वो कितना आता है, εo A/D आता है, और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिस्क है उसका एक फेस का एरिया जो कि πr² हो जाएगा। D तो आपको दे रखा, D तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे रख दिया, B की जगह पे EMF रख दिया, BdV, तो यहाँ से हमारे पास करंट आ गया, सही है ना। करंट से क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए कि करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है वो हमारी तरफ है, तो IL×B से आप देखेंगे तो फोर्स जो आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। और ये देखो यहाँ पे लेंज लॉ का हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया दिख रहा है,
कि एम जी नीचे लग रहा था जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। और लेंज लॉ हमेशा क्या कहता है कि जो भी कारण है जिसकी वजह से ईएमएफ आएगा वो उस कॉज का अपोज करेगा। तो देखो आपको यहाँ पे फोर्स जो ऊपर मिला है वो अगेन सिग्निफाई करता है कि आई एम अपोजिंग दिस कॉज, है कि नहीं? यस। तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स आपको मिल गया है एम जी माइनस एफ एम, जो कि आई एल क्रॉस बी है, एल की जगह पे डी आ जाएगा तो आई डी बी है, हमने आई निकाल लिया था, उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो हमने यहाँ पे दिखाया आपको नेट फोर्स जो कि एम ए के बराबर होगा उसका इफेक्ट एम जी माइनस आई डी बी, सारी वैल्यूज रखा और ए निकाल लिया यहाँ से जी अपॉन दिस वैल्यू, तो ये पूरा आ गया। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।